मैं नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कर चुकी हूँ क्योंकि गोल तो यही है कि मैं अच्छी ट्रेनर वो बनना है, मुझे अच्छी डाइटिशियन बनना है, लोगों को बहुत अच्छा खिलाना है। मैकडी स्टाइल KFC स्टाइल बर्गर है और सिर्फ 50 रुपए ताकि लोग अफोर्ड कर सके। पंजाब वाले ही मेरे को सपोर्ट करें, अपने तो अपने ही है ना। और मैं बहुत सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से आज तक भी, इवन मेरी जो कार है वो मैंने खुद खरीदी है। मेरे पास मैं बाइकर भी हूँ, R15 है मेरे पास, वर्जन 3। सत श्री अकाल मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड डॉक्टर्स पे। आप प्लीज सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैम मेरा नाम दीपिका सिंह है। दीपिका सिंह आपका नाम, और आप अपने कार्ट आपने यहाँ पे इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है। हाँ जी मैम। तो ये आपने स्टार्ट कैसे किया? एक्चुअली मैम बेसिकली मैं जिम ट्रेनर हूँ। हाँ जी। तो मैं पिछले 12 ईयर से जिम ट्रेनिंग का काम कर रही हूँ। हाँ जी। तो मैंने जो लास्ट छोड़ा है वो मैंने बॉडी ट्यूनर में एज ए मैनेजर जॉब छोड़ी है जी। लेकिन मैम एक्चुअली मैं बॉडी बिल्डर भी हूँ, मैं नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कर चुकी हूँ। ओके। तो चक्कर ऐसा था कि बॉडी बिल्डिंग में जब मैंने ये मतलब कि अपना कदम रखा तो वो था कि पैसे जो है ना मेन इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ जी। तो गेम में पैसे बहुत लगते हैं मैम। हाँ जी। और कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेनर है या जो जिसका ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग करने का या कुछ भी है, तो मेन मैटर करता है पैसा। वो आप ना मतलब आप अपनी जॉब से वो सब कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो, चाहे मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दूँ या होम ट्रेनिंग दूँ है ना, तो वो चीज़ें कवर नहीं कर पा रही थी। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हर 15-20 दिनों में यही होता था कि यार प्रोटीन ख़त्म होने वाला है। तो डाइट भी अगर हम देखें, चिकन डाइट हो गई या कुछ है, 190 की एक चेस्ट पड़ती है। तो मतलब वो मैंने कर तो लिया मैनेज अपनी गेम को, मैंने नेशनल लेवल कर भी लिया, ब्रॉन्ज मेडल हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गेम कंटिन्यू करना मेरे लिए इजी नहीं था जी। क्योंकि मेरी जॉब जो थी वो 12,000 मुझे सैलरी मिलती थी 9 आवर्स की, और उसके बाद जो मेरी मतलब लाइक मैं होम ट्रेनिंग देती थी उसमें ऐसा था कि बार्गेनिंग करते हैं लोग ना, जैसे 10,000 अगर जिम में बंदा ले रहा है मेंबरशिप, तो ऐसे था कि जिम में मेंबरशिप ली पहले उसने 6 मंथ की लगा लो आप, उसने 12,000 में या 20,000 में ट्रेनिंग ले ली उसने है ना, मेंबरशिप ले ली, तो एक्स्ट्रा अगर PT इसने पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो वो तो 10,000 से 12,000 का रेट चलता है, 15,000 भी चलता है, अगर बड़े जिम में जाएंगे तो 15,000 रेट चलेगा। तो ऐसा था कि होम ट्रेनिंग में मैंने एक मिनिमम प्राइस रखा कि मैं 10,000 से होम ट्रेनिंग दूंगी जी। तो मेरे को काम मिला भी बहुत, लॉकडाउन में मुझे बहुत काम मिला जिसके मतलब बदौलत ही मैंने अपनी गेम करी। लेकिन स्टिल वो था कि लॉकडाउन के बाद काम तो हुआ, जब जिम ओपन हुए दोबारा फिर वो वही चक्कर हो गया, लोग जिम जाने लग गए, तो जो मतलब काम करने का मज़ा आ रहा था ना वो पीछे हो गई, मतलब जो अब फॉरवर्ड हुई थी वो स्टेप बैक हो गई मैं, तो दोबारा से वही फिर हर महीने 12,000 15,000 20,000। तो आजकल आपको पता है खर्चे इतने ज़्यादा है कि हमने अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें डाइट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है, हमें अपने लिए रेस्ट भी चाहिए। तो जॉब में क्या था कि मुझे ना रेस्ट मिल पा रहा था क्योंकि सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट होती थी, उसके बाद मतलब 11 o'clock तक मॉर्निंग करना, उसके बाद शाम को 4 बजे चले जाना, 9 बजे छुट्टी होनी, ठीक है, फिर अपने भी देखना, खाना पीना है ना जो भी है, तो सोते सोते 11 बजी जाते होते थे, तो वो रेस्ट नहीं मिल पा रहा था लाइफ में ना, कह लो ना कि हम थोड़ा पीस ऑफ माइंड होके चलते हैं, वो चीज़ नहीं पॉसिबल थी जी। तो पैसे कहीं ना कहते हैं मैम कि खलते थे कि नहीं यार जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो नहीं, हमें फीडबैक वापस नहीं आ रहा, हमें ना रिवार्ड उसका मिल नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करती हूँ जिससे, मेरा वैसे ड्रीम ये था कि मैं अपना जिम ओपन करूँ, बिकॉज मैं जिम ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो अभी भी मैं होम ट्रेनिंग्स देती हूँ। तो लेकिन ऐसे था कि वो मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था कि अगर इतने टाइम तक, क्योंकि अगर जॉब कर रही हूँ तो मुझे 9 घंटे देने पड़ेंगे, तो 9 घंटे मैं दे नहीं सकती क्योंकि मुझे ये हो गया कि मेरा अपना बिजनेस है होम ट्रेनिंग का, तो चाहे मेरे पास 4 ट्रेनिंग है, 40,000 बन गया मेरा, और 4 घंटे बाद मैं अपने घर आ जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा अब जॉब नहीं करनी यार, फिर मैंने कहा कि नहीं यार मुझे जिम तो मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ, इतनी अफोर्ड मैं नहीं कर सकती, 20-25 लाख या 50 लाख लगाऊँ तो मैं इन्वेस्ट करूँ और मुझे मतलब पता नहीं कब जाके प्रॉफिट शुरू हो, तो मुझे जिम का कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि दीपिका कुछ ऐसा करते हैं जिससे, रखना तो तूने जिम का ही है ना सारा कुछ, फिर मैंने ये सेटअप सोचा मैम कि मुझे ये करना है। तो इतना सारा स्ट्रगल देखने के बाद दीपिकास कैफे अब यहाँ पे खुल गया। खुल गया मैम, यस डेफिनेटली। तो दीपिकास कैफे, आपके पास वैरायटी क्या क्या होती है? मैम मेरे पास चिकन की सारी वैरायटी है, वेज भी है, वेज में वेज बर्गर है, मैगी है, और अपना चीज़ कॉर्न रोल है, ठीक है, ये मतलब फ्रेंच फ्राइज है, ये कुछ आइटम मैंने रखी, बट मेरे पास जो मैंने ऑब्जर्व किया मैम, मेरे पास डिमांड ज़्यादा चिकन की आ रही है, मतलब सभी लोग जो भी कस्टमर पूछ के जाते हैं वॉकिंग में है,
वो मैम वो यही बोलते हैं चिकन बर्गर है आपके पास, और सबको मेरा चिकन बर्गर बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और मेरा सीख कबाब ये बहुत बिकता है, मटन कबाब ये चिकन कबाब बहुत बिकता है मेरा, और बॉयल्ड एग हो गए और अपना एग बर्गर हो गया, ये सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है मैम। तो आप अकेले होते हैं यहाँ पे? यस मैम अकेले होती हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है, थोड़ा बहुत मेरा ये मतलब साथ दे रही है अभी, मैंने कहा कुछ टाइम मुझे कर दे तू सेट, उसके बाद फिर मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि एक वो ना कभी किया नहीं है ना, तो वो था कि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों की, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मुझे ये था कि चलो अपने तो अपने ही है ना, इनको तो जैसे मर्जी है ना बोल देंगे तो डांट भी लेंगे पास खड़ी हो जाएगी, वैसे ये ब्यूटिशियन है तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती, बाकी मैं खुद ही करती हूँ सारा। तो आपको कितना टाइम हो गया है स्टार्ट करे हुए? एक्चुअली मैम मुझे अभी 15 दिन ही हुए हैं इसको करते हुए जी। लेकिन मेरे को इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, तो मेरा मतलब ये काम ऐसे है कि ये नहीं है कि बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहा है, कुछ नया नया काम होता है, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला इस चीज़ का। क्या बात है, मतलब आपने खोला और आपके पास यहाँ पे रश लग गया। और आप मैम सही सही बताना, यहाँ पे लोग खाने आते हैं और आप यहाँ पे एज अ गर्ल यहाँ पे इस कार्ड को ओन कर रही हैं, तो कई लोग ऐसे होते होंगे जो सिर्फ आपको देखने ही आते होंगे? हाँ जी मैम होता है, क्योंकि थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी थोड़ी अलग है मेरी जी। तो मतलब लोग मतलब कईयों को होता है वो मेरी गाड़ी खड़ी है तो लोगों को लोग ये भी जज करते हैं यार कार में आती है, कार में सामान रखती है और लगा के काम करके अपना चली जाती है ना जी। तो मतलब मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, लोग तो आपको जज करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैं शुरू से ही बड़ी बोल्ड रही हूँ, और मैं मतलब 1000 बंदे खड़े होंगे ना, मैं उनमें अकेली भी बोल सकती हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये छोटे मोटे लोग मेरे को मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ मेरी बोलने का तरीका कैसे ना बोल्ड, शुरू से ही रही हूँ और बॉडी बिल्ड रही हूँ, तो वो मेरे में शुरू से रहा है कि मैं लोगों को हैंडल करना मुझे आता है कि अच्छा। मुझे कैसे हैंडल करना है लोगों को। यस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए एक कार्ड ओन करने के yes, लिए। तो आज आप हमें क्या क्या खिलाने वाली हैं? मैम आपको मैं आज अपना स्पेशल चिकन बर्गर जी। और जो मेरा चिकन मटन और मटन हो गया और चिकन हो गया ये सीख कबाब मैं आपको खिलाऊंगा जी। ठीक है, तो आज हम फिर सारा कुछ चिकन में खाने वाले हैं, और आपके पास अब वेज में हमें क्या खिलाएंगे आज? वेज में मैम आपको मैं सैंडविच खिलाऊंगी आज। ओके ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपनी मेकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। अब यहीं से आप देख लीजिए हाइजीन, सबसे पहले तो मैम ने ग्लव्स पहन लिए हैं, हाइजीन का यहाँ पे बिल्कुल मैम, और सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं चीज़ों पे हाथ लगते हैं है ना, तो वो फिर थोड़ा हाइजीन अच्छा है सफाई। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप भी सारा नीट एंड क्लीन है ना, और मेरी कार्ड भी आप देखिए दूर से कि आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि कितनी सफाई और मतलब सारा कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। आपका जिम में इंटरेस्ट आया कब था? एक्चुअली सर मैं जिम में इंटरेस्ट मेरी थोड़ी बैक की प्रॉब्लम हो गई थी, पहले मैं स्पोर्ट्स टीचर हुआ करती थी, मैं सरगोधा स्कूल में एज ए पीटी टीचर जॉब की है मैंने तकरीबन 5 से 7 साल वहाँ पे जॉब की है, तो मेरी लोअर बैक की दिक्कत हो गई थी, तो मुझे ऐसे था कि अब जिम का मुझे तब नहीं था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका ना वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, तो वेट जब गेन हुआ तो मेरे को तो चलने में भी दिक्कत होती थी, तो डॉक्टर ने बोला आप लूज़ कर लो नहीं तो आप बेड पे पड़ जाओगे, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर जब जिम ज्वाइन किया धक्के से पेरेंट्स ने बोला नहीं ज्वाइन कर ले, मेरा विद इन 3 मंथ्स में मेरा वेट लूज हुआ 15 kg, कुछ मतलब हल्का फुल्का करके, वो तो बंदा जो सारा दिन सो रहा है वो अगर थोड़े एफर्ट्स लगाता है तो जल्दी लूज़ होता है। उसके बाद फिर जो जहाँ पे मैं जिम जाती थी उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप ना ट्रेनिंग, क्योंकि साथ में जो लड़कियाँ थी ना वो मेरे को ना अप्रोच करती थी कि हमें ट्रेनिंग दो, आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो, एक स्टाइल होता है ना वर्कआउट करने का कि आप बहुत अच्छा करते हो, तो मुझे ऐसे था कि चलो साथ में कर रहे हैं मैं तो कर ही रही हूँ, तो जो ऑनर थे उन्होंने मुझे पूछ लिया कि ट्रेनिंग आपने करानी है, तो मैं फ्री थी क्योंकि जॉब मेरे पास नहीं थी पीटी टीचर की, मैं लीव कर चुकी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला आप ज्वाइन कर लो, मैंने 7000 से शुरू किया था मैम जी, तो 7000 से शुरू किया मैंने, वहाँ पे 6 मंथ लगाए, एक्सपीरियंस थोड़ा लिया, मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में पता चला कि पर्सनल ट्रेनिंग होती है यार, इससे हम एक्स्ट्रा इनकम हमारी कर सकते हैं, क्योंकि 9 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसमें मतलब 9 घंटे की ट्रेनिंग में जो जॉब किया उसमें हमें सिर्फ 12000 मिल रहे हैं, तो 7000 उन्होंने मेरी सैलरी रखी थी तब, और मैं उनको 9 घंटे अपने देती थी मतलब पूरे दिन के, और मुझे 7000 महीना मिला, तो 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कहते हैं ना हर बंदा थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपको जो साथ में जो क्लाइंट्स हैं उनका रिव्यू पता चल जाता कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, और मैम मेरी शुरू से ही मैं बहुत हार्ड वर्किंग और मैं बहुत सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से आज तक भी, इवन मेरी जो कार है वो मैंने खुद खरीदी है, मेरे पास मैं बाइकर भी हूँ, मैं आपको स्पोर्ट्स बाइक भी अपनी लागे दिखाऊंगी, R15 है मेरे पास वर्जन 3, तो मैं मतलब शुरू से ही
लड़कों की तरह मतलब फ्री माइंड होके अपनी लाइफ को जीने वाली लड़की, हमेशा मैं वैसे ही रही। तो आपके पेरेंट्स ओके थे सब चीजों से? यस मैम, उन्होंने मेरे को उन्होंने कभी लड़की माना ही नहीं, उन्होंने बोला कि ये हमारा लड़का ही है। मतलब शुरू से मेरी गेम ऐसी रही है, तो मैं मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है हमारा जी, ठीक है। मेरे दादाजी जो थे वो फौजी थे और मेरे फादर खुद कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, तो बस फिर वो मतलब कभी उन्होंने ऐसे रोका भी नहीं। और ऐसे होता है ना कि ऐसे की सपोर्ट, वैसी वाली सपोर्ट नहीं मिलती थी, बट हाँ ठीक है, पर मैं खुद पे अपने सेल्फ मतलब डिपेंड थी शुरू से ही। तो अब आपका लाइफ में गोल क्या है फिर? मैम लाइफ में गोल तो बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा है कि मुझे, मैं शुरू से चाहती थी कि मैं मतलब लोगों को ट्रेन करूँ इंटरनेशनल लेवल पे जी, तो वो मुझे अभी तक मौका मिला नहीं है। बिकॉज मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स तो किया फिटनेस मैटर वहाँ से चंडीगढ़ से, लेकिन वो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कहीं ना कहीं वही मैं बता रही हूँ आपको कि कमी पैसे की आती रही। वो जो हमें पुश करना है ना, हमें चीज़ों चीज़ें खरीदनी है या कुछ करना है, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि यार पैसा मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में ना पैसा। तो आगे बढ़ने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर आज मैं इस चीज़ पे इन्वेस्ट ना करती मैम, तो मैं एक वो टेबल पे ये काम शुरू नहीं कर सकती थी, है ना। मुझे इसके लिए जो प्रॉपर एक अलग मैनेज करना था, है ना, कि चीज़ें बनानी है, तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट लगी मेरी। तो बस यही था मैम कि गोल तो यही है कि मैं अच्छी ट्रेनर वो बनना है, मुझे अच्छी डाइटिशियन बनना है, लोगों को बहुत अच्छा खिलाना है। इवन मैंने तो इतना भी सोचा था कि मैं कुछ ऐसा फूड, जैसे वो 10 रुपए वाली थाली नहीं चली थी जी मैम, मेरा कुछ ऐसा भी था कि मैं लोगों को मतलब मेरा काम भी चलता रहे और लोगों का भला भी होता रहे। कुछ ऐसा मैंने लाइफ में और भी सारी चीज़ें हैं कि मतलब कहते हैं ना बतानी नहीं चाहिए, फिर वो रोक लगती है जी, जी, जी। तो वही है कि करूँगी ज़रूर मैम, कुछ अच्छा करूँगी। हाँ जी, करा शुरू। बॉडी बिल्डिंग तो बोला भी जाता है, गेम ही पैसों की है। पैसों की है बिल्कुल सर। मैंने जब तैयारी की थी सर, मेरा 3 लाख लग गया था, और 12,000 जोड़ जोड़ के ना, वो जो मैंने 3 लाख बचाया अपना, वो मेरा सारा मतलब विद इन 4-5 मंथ में लग गया था। तो वो फिर ऐसे है कि चलो ठीक है, वो हो गया, वो सपना थोड़ा ड्रीम पूरा भी कर लिया, फिर स्टेप बैक थोड़ा हो जाता है बंदा ना, क्योंकि ये गेम ऐसी है मैम, हम ना सिर्फ आके पैसे पे रुक जाते हैं। और बहुत ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियां बैठे हैं जो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है इतनी, मतलब बोलते हैं मुँह से, लेकिन मैम बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है ना। जब वो सपोर्ट आ जाती है ना कि हाँ यार कोई बात नहीं तू कर, लेकिन मैम आजकल के टाइम पे इतनी महंगाई है। तो अभी आप मैम क्या बना रहे हैं? चिकन बर्गर आपको खिलाएंगे हम। ये सर तंदूरी सॉस है। तंदूरी में हो? आप रेडीमेड लेते हैं, खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, रेडीमेड सर, आजकल सर सारा कुछ रेडीमेड ही चलता है, तो आपको पता ही है। इसका प्राइस क्या होता है? सिर्फ 50 रुपए का है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ कमाने नहीं आई, मुझे लोगों का भला भी करना है। वो रेट जो है वो हर बंदा अफोर्ड कर सके। एक्चुअली मैम ये सब चीजें मैंने खुद की हैं। मैम ये सारी चीजें मतलब सब चीजें मैंने अपने आप खुद अपनी लाइफ में कमाई हैं, और मैं कमाती रहूंगी। मुझे बहुत शौक है मुझे आगे बढ़ने का, वो नहीं है कि घर पे बैठ के बातें की मैंने ये बनना है वो बनना है। आप घर पे बैठ के कुछ नहीं बन सकते हैं, मतलब लोगों से हटके। और मैम आपकी कार्ड पे यहाँ पे टाइमिंग्स क्या होते हैं? मैम मॉर्निंग 10 बजे से शुरू हो जाता है जी, और रात को 10:30 बज ही जाते हैं। मुझे काफी लंबा टाइम आप यहाँ खड़ते हैं आजकल इतनी गर्मी में, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे आपको? मैम बस गर्मी लगती है और तो कुछ नहीं, मेहनत करने से तो मैं शुरू से ही नहीं डरी जी। मेहनत तो मैंने शुरू से ही करी है, ठीक है ना मैम। और मैम जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, हमारा भगवान भी साथ नहीं देगा। अगर हम कहेंगे कि हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए बिना मेहनत के ही कुछ मिल जाए, ऐसा मैम कभी नहीं हो सकता। हमें लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा मैम। बाकी मैम देख सकते हो आप कि मेरा जो फूड है, सैलेड भी है इसमें, चिकन भी आ गया, बिल्कुल मैकडी स्टाइल KFC स्टाइल बर्गर है, और सिर्फ 50 रुपये में। सिर्फ 50 रुपीज़ में, ताकि लोग अफोर्ड कर सके। हमारा ये अभी शुरू हो गया है वेज सैंडविच। सारी मैंने जो वेजेस है वो मैंने बाउल में कैरी कर ली है। अभी जो इसमें मैंने मेयोनी सॉस और अपना तंदूरी और तीखी जो चटनी है हमारी ग्रीन वाली, वो मैंने डाल दी है। वेज सैंडविच का प्राइस क्या होता है? 30 रुपीज का है, क्योंकि अफोर्डेबल है। यस यस मैम, मुझे लोगों का भला भी करना है। कईयों को ना ड्रीम ही हो जाता है यार सैंडविच वो कैसा होता है। उनको फूड देते हैं ना वो बड़ा खुश होके खाते हैं। और मैम शुरू से मैं खुद मैंने ना कभी भी चीजें मांगी नहीं है, और मुझे मांगने में अपने इवन पेरेंट्स से भी, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया है ना, पैदा कर दिया इतनी हमारी एजुकेशन की। इवन मैम मेरी एजुकेशन का भी मैंने अपना खर्चा खुद ही उठाया है। तो मेरे ब्रदर और सिस्टर की फीस जो थी वो आधी माफ़ हो गई थी जी। मतलब ऐसे था कि हम 3 भाई बहन थे और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, और स्पोर्ट्स में ऐसे था कि मैं सिर्फ
एक गेम में नहीं थी, मैं ऑलराउंडर ही थी। नहीं तो आजकल जो बच्चे हैं ना वो मैम ये डिमांड करते हैं ऐसे वैसे, मुझे ये है कि थोड़ा इजी रह के चलो ना यार, खुद खुद करो। लुधियाना वाले और पंजाब वाले ही मेरे को सपोर्ट करे। बींग अ गर्ल भी है ना, थोड़ा सा होता ही है मैम, आप जितना चाहे मर्जी बोल्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा दिल में होता है कि यार कि वैसा ना कोई मुझे देखे, मतलब एक मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो मेरी मेहनत का मुझे बस फल ही दे दो, इतना मुझे बहुत है। मुझे ज़्यादा कुछ लालच नहीं है, जो काम मैं करना चाहती हूँ और जिसके लिए मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, बस मुझे वो मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए। ये आ गया बटर और ये आ गया हमारा सैंडविच, अगेन बटर। आप देख सकते हैं सर, 30 रुपीज़ में फुल फिल वेजिस और बटर, कोई रिफाइंड नहीं है, कोई कुछ नहीं यूज़ है। कि मैं ऐसे नहीं है कि मैं चीज़ वो घटिया लगा के दे रही हूँ। ये हमारा सैंडविच अब दो में डिवाइड हो चुका है। और लुधियाना वालों, आपको हमने मैम की इतनी मोटिवेशनल, इतनी इंस्पिरेशनल आपको हमने स्टोरी बताई, और अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके रश लगाना है रोज सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक दिखने चाहिए। यस, मुझे यही सपोर्ट चाहिए कि बस मज़ा आ जाए काम करने का, जो मैं इतनी डेडिकेशन से कर रही हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए तभी मैं और आगे बढ़ सकूंगी। मैम फिर अपनी लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पहुँचना है। मैम शुरू से बता दूँ, पंजाब लुधियाना, कहीं से पंजाब लुधियाना, लुधियाना में विशाल मेगा मार्ट है मल्हार रोड के पास, हमारा आरती चौक से आगे वाला चौक है फिरोजपुर रोड पे, ऑपोजिट विशाल मेगा मार्ट के सामने मेरी कार्ट। आप आइए और मुझे सपोर्ट करिए, रश लगा दीजिए, यहाँ पे काम करने का मज़ा आ जाए, और मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा वेज सैंडविच रेडी है मैम, आप देख सकते हैं इसका, ये देखो ये वेजिस है, यस बटर और फुल फिल वेजिस, ये हमारी डाइट भी है मैम ना, हेल्दी खाना आपको इतने अफोर्डेबल रेट पे यहाँ पे मिलने और मैम सिर्फ 30 रुपीज़ का, आपको 30 रुपीज़ में ये वेज सैंडविच पूरे लुधियाना में कहीं भी नहीं मिलेगा। भी हेल्दी ऑप्शन सस्ते प्राइस में, 30 रुपीज़ में अगर आप सैंडविच ढूंढ रहे हो तो दीपिकास कैफे जगह का नाम है। लोकेशन मैम ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कहाँ आपको पहुँचना है, टाइमिंग भी एक्सप्लेन कर दिया है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक होता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और मैम को प्लीज़ सपोर्ट करें। यहाँ पे मैं आपको खिलाऊंगी चिकन कबाब और मटन कबाब, ये हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है सर। ये मैं फ्रेश ही उतना ही सर स्टीम करती हूँ, इतना कस्टमर की डिमांड होती है, ऐसे नहीं है कि भर के रख लिया और वो फिर। ये मटन कबाब मैम इनके प्राइसेस क्या होते हैं? मैम जो चिकन कबाब है वो सिर्फ 80 का है, 80 के 2 पीसेस होते हैं इसमें जी, और जो मटन कबाब है वो 90 का है मैम। मतलब आप चिकन कबाब कहीं से भी खाएंगे आपको 150-120 ऐसे मिलेंगे, ये सिर्फ दीपिकास कैफ़े पे आपको सिर्फ 80 रुपीज़ का चिकन कबाब और 90 का मटन कबाब। क्या ज़बरदस्त प्लेटिंग हो रही है यहाँ पे, ये तो देख के पानी आ रहा मुँह में। और मैम बहुत टेस्टी हैं, मतलब जितने भी मेरे पास क्लाइंट आए हैं उन सब ने यही बात बोली है कि मैम आपके जो मटन कबाब और चिकन कबाब है स्पेशल, मतलब अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे एक एक दो दो प्लेट्स नहीं, ऐसे बोलते कि मैम 4 प्लेट्स लगा दो जी। ये हम ऊपर डालेंगे मसाला, ये मैम हमारे रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक दूर दूर जाके स्टीम कबाब स्टीम चिकन खाते हैं, और यहाँ पे तो आपको दीपिका मैम की कार्ट पे इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी मिलने वाली है। तो ये वाले तो जी हैं हमारे चिकन कबाब, देख लो क्या बढ़िया स्टीम कर रखे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट आपके सामने ही करे थे। और ये ऑरेंज वाले जो कलर के हैं ये है हमारे मटन कबाब, ठीक है, और इसके ऊपर मैम ने अपना मसाले वगैरह सब अच्छे से डाल के दिए हैं, तो अब इसको खाते हैं। इससे पहले तक तो मैं फ्राई करके खा रही थी चिकन कबाब मटन कबाब को, क्योंकि मुझे लगा वो बहुत टेस्टी होते हैं और सिंपल से खाने में क्या टेस्ट आएगा, बट यहाँ पे आके जो चेंज हुआ है ना स्टीम खाने में भी आज इतना मज़ा आ रहा है। तो जिम डाइट वालों को तो ये 100% रेकमेंड है, और मैम बोल रही थी इनका बेस्ट सेलिंग भी यही है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये मस्ट ट्राई है, ट्राई करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और तब तक के लिए वादा करना है नशा न पियो न खाओ, रब रखा, चाओ।